नागपुर रेलवे स्टेशन पर मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात पहुंची समता एक्सप्रेस के टॉयलेट से रेस्क्यू की टीम ने 1,03,720 रुपए का गांजा बरामद किया है। गत रात करीब 1:45 बजे प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर पहुंची ट्रेन संख्या 12807 समता एक्सप्रेस के D2 कोच से गांजा की महक आ रही थी, जिसके बाद इस मामले में कार्रवाई की गई तो वहां से गांजा बरामद हुआ। यहाँ तैनात आरक्षक मुनीश गौतम ने D2 कोच का निरीक्षण किया तो उन्हें कोच के टॉयलेट में प्लाई के अंदर छुपाए गए गांजा के बंडल नजर आए। लावारिस रखे इन बंडलों को निकालकर प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर रखा गया। ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्रियों से गांजा रखने वाले संदिग्ध के बारे में पूछताछ राजपत्रित अधिकारी चंद्रशेखर लक्ष्मण राव क्षेत्रपाल, नायब तहसीलदार नागपुर शहर के समक्ष सहायक उप निरीक्षक रामनिवास यादव द्वारा पंचनामा की कार्रवाई की गई। पंचनामा के मुताबिक गांजा के 5 बंडल बरामद हुए, जिसमें 10.362 किलोग्राम गांजा था। गांजा की कीमत 1,03,720 रुपए आ की गई। समय लगभग 00:45 बजे ट्रेन नंबर 12807 समता एक्सप्रेस विशाखापट्टनम नई दिल्ली प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर नागपुर स्टेशन पर आने के बाद PLT ड्यूटी में तैनात RPF ड्यूटी स्टाफ आरक्षक मुनीश गौतम ने गाड़ी को चेक किया। चेक करने पर जनरल कोच D2 के जनरल कोच के टॉयलेट के ऊपर जो प्लाईवुड बना हुआ है उसमें कुछ पैकेट्स उनको दिखाई दिए, तो उसको चेक करने पर उसमें गांजे जैसा मिला उसकी, इसलिए उसको टोटल 5 पैकेट उसका वजन अंदाजन 10 kg 300 ग्राम के समथिंग जिसको उतारा गया और उसका अभी प्रोसेस चालू है, आगे की जाँच जारी है। वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त आशुतोष पांडे के मार्गदर्शन में रेसुप की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, जांच जारी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा अटवा, BCN न्यूज़ नागपुर।